not only online but completely interactive also. 2, 3, 4, 5, 6. तो इसमें क्या क्या मिला सर? मायोसिन फिलामेंट, एक्टिन फिलामेंट एंड एम लाइन. वेरी गुड. यदि टर्म जीरो आ गई तो ना तो इंक्रीज करेगी ना डिक्रीज. कोविड आउटब्रेक क्रिएटेड पैनिक टू एवरीवन, इवन टू स्टूडेंट्स आल्सो. एजुकेशन इज द कंटिन्यूअस प्रोसीजर, शुड नॉट बी स्टॉप्ड एट एनी सिचुएशन. सो इट्स टाइम टू कंटिन्यू द स्टडी एट होम. पीसीपी प्रिंस प्रोवाइड्स इंटरेक्टिव लाइव ऑनलाइन क्लासेस टू द स्टूडेंट्स. दीज क्लासेज आर नॉट ओनली ऑनलाइन बट कंप्लीटली इंटरेक्टिव ऑल्सो. स्टूडेंट्स कैन सी द लेक्चर, कैन टॉक टू द टीचर, कैन आस्क देयर डाउट्स एंड वेराइटी ऑफ असाइनमेंट्स, स्टडी मटेरियल, DPP, ऑल आर गिवन. सो इट्स टाइम टू बी एंथुसियास्टिक, एनर्जेटिक एंड टू कंटिन्यू द स्टडी फ्रॉम होम. यदि टर्म जीरो आ गई तो ना तो इंक्रीज करेगी ना डिक्रीज, यानी कॉन्स्टेंट रखेगी. तो बोलो दोनों ही एस मैक्सिमम है क्या? यहां क्या हुआ? नोट करें और रिप्लाई करें. वेरी गुड बेटा नैतिक, अंकित, दुष्यंत, PA 9050, PA 9053. वेरी गुड बेटा. इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. तो यह क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ घर के टी प्लस करें जरा क्वेश्चन का ही. समय है आपके पास 2 मिनट का. अंकित का आंसर आया 7, मनवीर का आंसर आया 7, नैतिक का आंसर आया 7. चलिए वेरी गुड बेटा, कुछ लोगों ने अच्छा टाइम ले लिया. अब इस क्वेश्चन को हम ट्राई करते हैं. फिजियोलॉजी से कोई सभी पूछ लो. शाबाश. ये मैं क्या बना रहा हूँ? जेड लाइन. मायोसिन फिलामेंट. मायोसिन फिलामेंट. और ये मायोसिन के क्या बना पा रहा हूँ मैं? हेड. हेड्स है. ठीक है, बच्चे जवाब दे सकते हैं. बाकी बच्चे जो हैं, वेरी गुड. जो सेकंड है उसमें कौन कौन है? मायोसिन और एक्टिन दोनों. वेरी गुड. क्लास बोलो यस और नो. ठीक है. 2, 3, 4, 5, 6. तो इसमें क्या क्या मिला सर? मायोसिन फिलामेंट, एक्टिन फिलामेंट एंड एम लाइन. वेरी गुड. एनसीईआरटी ये लिखती है ए बैंड कंटेन्स मायोसिन. इट डज नॉट मीन दैट ए बैंड डू नॉट कंटेन एक्टिन. सर आई वांट टू स्पीक अबाउट ओमिक्सिट्री. गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग बेटा. गुड इवनिंग एवरीवन. एक बात कही जाती है, इफ यू हैव अ ड्रीम डोंट जस्ट सिट देयर, गैदर सम करेज टू बिलीव दैट यू कैन सक्सीड एंड लीव नो स्टोन्स अनटर्न टू मेक इट अ रियलिटी. और पीसीपी ने हमारी ये बात जो सिर्फ कहावतें मानी जाती थी उसको सच कर दिया है. पीसीपी हमारे लिए वो काम कर रही है जो बाकी किसी भी कोचिंग ने अब तक उनके स्टूडेंट्स के लिए नहीं किया है. इसी चीज से पता लगता है कि पीसीपी अपने बच्चों के लिए कितनी बिलीवेबल है. और पीसीपी जो सभी बच्चों के लिए कहती है कि यू आर इन सेफ हैंड्स, वो रियली मैटर करता है. एंड वी विल रियली गिव यू फेथ दैट वी विल डेफिनेटली सिलेक्टेड इन द नीट 2020. बहुत बार बोलते थे, अक्सर बोलते थे कि जब तक एग्जाम आपका होगा तब तक पीसीपी आपके साथ खड़ा रहेगा. और आज ये टाइम जो है वो आपको बता रहे हैं. यहाँ पे जनरल लिखा होगा, क्लास नोट्स लिखे होंगे, डीपीपी, ऑप्टिमा, स्टडी मटेरियल. देखिए यहाँ पे माइक्रो का पेपर डाला हुआ है. ये मैंने आपकी जो TNEB क्लास है उसकी मैंने क्लास नोटबुक यहाँ पे तैयार कर. एच क्या होगा? मोर नेगेटिव होगा. और मोर नेगेटिव होगा तो ये वाली वैल्यू में ये लोअर एंड पे रहेगा. तो अगर मैं Mg के लिए कहूं तो Mg प्लस O2 इज इक्वल टू MgO. ये ग्राफ बन जाएगा सॉलिड गैस और ये सॉलिड बन जाएगा और ये टेंपरेचर के साथ. एंड गिवन दैट 4 चार्जेस Q 2Q 3Q एंड 4Q आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड लेंथ A एंड यू हैव टू फाइंड द फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल Q0. ओके, तो मान लेते हैं इस Q की वजह से इस Q नॉट पर जो फोर्स है वो है F1. अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है, दिस इज व्हाट वी कॉल इट लॉग फेज. जैसे उन्होंने कहा है एसिलरेशन. क्या कहा है हमने इसको? एसिलरेशन कहा है. और तीसरा जो है यहाँ पे देखिए, यहाँ बढ़ रही थी और यहाँ पे क्या हो गया, थोड़ा सा ग्रोथ धीमी हो गई. ये जो थर्ड फेज है इसको बोल रहा है इन्होंने
ये क्या हो गया, डेसिलरेशन हो गया। और लास्ट में यहाँ पे क्या हो रहा है, अब हमें आप ये बताएं कि इसमें सबसे ज़्यादा रियलिस्टिक कौन सा है। ओके गुड, साहिल ने सही आंसर दिया है, एसेप जो है वो ज़्यादा रियलिस्टिक है। गुड गुड गुड, सभी बच्चे एसेप, कुमकुम, ओके, नास, देन गुड, आयुष, नवदीप, बहुत सही आंसर जा रहे हैं। गुड, कुछ बच्चे का आंसर ऐसे एक बार आंसर चेक करेंगे। तो देखो ये पूरा बेटा इस तुम्हें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, तुम अगर डायग्राम को ढंग से देख लोगे तो वहीं से सॉल्व हो जाएगा। और एक बार मैं इन सारे करंट की डायरेक्शन को भी मिटाने जा रहा हूँ। अब अगर मैं इस लिक्विड की बात करूं, कौन से फर्मी कंडेंसेट, तो मैं कह रहा हूं कि इसकी विस्कोसिटी तो जीरो है, तो ये बहुत तेजी से फैल जाएगा और तब तक फैलता रहेगा जब तक इसका लेवल एकदम सेम ना हो जाए। Always says that geniuses are not made born, but they are made by their hard work.